समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाया जाए, क्योंकि घर में इतने सारे लोग आने वाले हैं तो क्या क्या बनाया जाए बहुत दिक्कत वाली बात है। लेकिन अभी तो मैंने कहा था कि खाना बनाना आसान है, तो बनाते हैं कोई आसान सी चीज़, मिर्चों वाली और टोफू के साथ में। टोफू क्या है, घबराइए नहीं, बहुत सिंपल है। ध्यान से आप देखते रहें कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उसी तरह से अगर आप काम करेंगे तो काम आसान है। तो देखते हैं, पेपर टोफू सुनने में अच्छा लगता है, खाने में और भी अच्छा है। इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या, सबसे पहले तो टोफू। टोफू क्या है, कैसा दिखता है, चलिए बता देता हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ अभी, इसके बारे में थोड़ी देर में बताऊँगा। तो हमें चाहिए इसके लिए टोफू, तेल, कॉर्न स्टार्च, पेपरकॉर्न, नमक, लहसुन, तरह तरह के रंगीन पेपर्स, रेड पेपर, ग्रीन पेपर, येलो पेपर, और उसके साथ स्प्रिंग अनियन, थोड़ा सा अजीनोमोटो और विनेगर। बस इतनी सारी चीज़ें आपने इकट्ठी कर ली तो फिर काम आसान और खाना मिनटों में। और शुरुआत करते हैं टोफू से। ये टोफू होता क्या है, ये है सोयाबीन से बना हुआ, एक तरह से आप कह सकते हैं पनीर, यानी सोयाबीन का पनीर। तो सोयाबीन से दूध निकलता है क्या, जी हाँ। क्या किया जाता है, जो सोयाबीन रहती है उसको भिगो के उसको ब्लेंड किया जाता है, क्रश किया जाता है, छान लिया जाता है, दिखने में सफ़ेद लगता है, थोड़ा सा ऑफ वाइट, और उससे ये टोफू बनता है। घर में बना सकते हैं, नहीं आसान नहीं है, तो बाज़ार से लें, और बाज़ार में भी तरह तरह के मिलते हैं। कुछ थोड़े हार्ड होते हैं, जैसे ये देखिए ये हार्ड वाला है, एकदम सॉफ्ट भी मिलते हैं। शुरुआत आप करें थोड़े से हार्ड वाले से, वो इसलिए क्योंकि शुरुआत में टोफू को हैंडल करना आना चाहिए, एक बार आ गया फिर आसान है। तो शुरुआत करते हैं हम टोफू से, ये टोफू के पीसेस काट लेते हैं, देखिए एकदम क्लीन कट, इस तरह से टोफू के पीसेस ये हमने काट लिया, ये हो गया टोफू तैयार। उसके साथ साथ प्याज, प्याज जो है इसे किस तरह से काटना है, हम आप छिला हुआ प्याज ले लें, और उसके बाद इस तरह से, अब ये जो प्याज है इसे मैंने ऐसे क्यों काटा, वो इसलिए ताकि प्याज को हम छील सकें। ये देखिए इस तरह से प्याज हमें तैयार चाहिए, तो लीजिए प्याज तैयार, और अब इसको खोल लें। प्याज के साथ साथ ये पेपर्स, इसे भी ऐसे ही काटना है हमने, यानी इसका जो साइज़ है जितना बड़ा प्याज का है करीब उतना साइज़ हमें चाहिए, बीज नहीं चाहिए हमें, और अब इसे भी वैसे ही काट लेते हैं हम। ये जो पेपर है, ये पेपर के पीसेस थोड़े यूनिफॉर्म होने चाहिए, लेकिन सब एक साइज़ के हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से हरे और पीले वाले को भी काट लेते हैं हम। कितनी तरह तरह के पेपर्स मिलते हैं, कमाल है। और इसी तरह से ये हरा वाला, अभी आप देख रहे हैं कि हमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, सिर्फ कटिंग चॉपिंग कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि ये तैयारी अगर हम कर लें तो उसके बाद खाना बनाते समय दिक्कत ना हो और सब कुछ जल्दी से हो जाए। प्याज थोड़ा सा चॉप भी कर लेते हैं, एक बार तैयारी कर लेंगे फिर आराम है। बारीक चॉप करें प्याज को, डिश बनाए, कोई खाना बनाए तो उसमें टेस्ट पूरा आना चाहिए। इसके लिए मुझे लगता है प्याज बहुत काम करेगा। ये जो टोफू है उसे हम एक बोल में ले लेते हैं, और इसमें हमने लगाना है थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च, और अब इसे हमने डीप फ्राई करना है। ये कॉर्न स्टार्च इसमें लगा हुआ है, चलिए डीप फ्राई करते हैं। तेल भी गर्म है, बास्केट में ये टोफू डाल देता हूँ मैं, ये टोफू गरम तेल के अंदर, ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है। क्या आपको मालूम है जो सोया होता है उसके अंदर 50% से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है, रिचेस्ट नोन वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये टोफू फ्राई हो गया, इसको रंग नहीं देना है, हल्का सा फ्राई किया है सिर्फ हमने, तेल में से निकाल लें, और अब कढ़ाई में भी तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। ये जो डिश है बहुत जल्दी बन जाती है, आप तेज़ आंच पर इसको पकाएं। ये प्याज हल्का सा पकाया हमने, अब इसके अंदर बारीक कटा हुआ लहसुन, गार्लिक, अब इसके साथ इसमें हम डालते हैं डार्क सोया सॉस,
और इसके साथ ब्राउन शुगर। ये बनाते बनाते मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वाह, कितना अच्छा रंग है इसका। अब इसके अंदर डालते हैं ये टोफू। ये जो टोफू है इसका एक और नाम भी होता है और वो है बीन कर्ड। तो ये लीजिए, ये फ्राइड बीन कर्ड के पीसेस इसके अंदर। और अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक। घबराइए नहीं, वेजिटेबल स्टॉक नहीं है तो पानी भी डाल सकते हैं जब तक ये थोड़ा सा पकता है। ये प्याज और ये सारी चीज़ें जितनी हैं इसको हम थोड़ा तैयार कर लेते हैं। अब काट तो लिया, इसके अलावा क्या तैयार करना है। एक आपको ट्रेड सीक्रेट बता देता हूँ, वो ये कि होटल रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो खाना जो है बहुत चमक रहा होता है। वो किस तरह से होता है, बड़ा सिंपल है। ये सारे पेपर्स और प्याज इस तरह से लिए गर्मा गर्म तेल के अंदर, और इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ 15 सेकंड तक। और अब इसमें से तेल निकलने देते हैं। ये जो टोफू है ये भी काफ़ी तैयार है। ये प्याज और पेपर्स तैयार हैं, ये पक रहा है। एक चीज़ और करनी है हमें, और वो है कॉर्न स्टार्च को घोलना। थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च ले लें और अब इसके अंदर पानी, पानी में कॉर्न स्टार्च घोल लेते हैं। ये मिक्स हमने कर लिया। और स्प्रिंग अनियन, इसकी हरी पत्तियां चाहिए हमें। और इसके लिए ये जो स्प्रिंग अनियन है थोड़ा बड़ा बड़ा इस तरह से, ये स्प्रिंग अनियन तैयार हो गया। मैंने इसका नाम कहा था पेपर टोफू। पेपर को तो अभी तक नाम निशान नहीं है इसके अंदर, तो चलिए पेपर तैयार कर लेते हैं। और पेपर तैयार करने के लिए इसे हम कूट लेते हैं पेपर को। एकदम फ्रेश पेपर क्रश करने के बाद ही इसके अंदर हम डालेंगे। तो लीजिए, ये तैयार हो गया पेपर, एकदम फ्रेशली ग्राउंड पेपर। और ये टोफू दिखने में बढ़िया। अब इसमें हम डालते हैं क्रश पेपर, इसके साथ नमक। नमक ध्यान से डालें आप, क्योंकि इसमें हमने डार्क सोया सॉस डाली थी और उसमें भी काफ़ी नमक होता है, तो इसलिए नमक ध्यान से। अब इसमें हम डालते हैं ये कॉर्न स्टार्च जिसको हमने पानी के अंदर घोला था। ये कॉर्न स्टार्च क्या करेगा, कॉर्न स्टार्च इसे थोड़ा सा थिकन करेगा। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि किस तरह ये आपस में जुड़ भी जाएगा और अच्छा ग्लेज भी आएगा। अब ये तैयार है, अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब बारी आती है ये जो पेपर्स हमने लिए थे वो इसके अंदर हम डालते हैं। पेपर्स और प्याज जिसे हमने फ्राई किया था थोड़ा सा। सब चीज़ों को मिक्स कर लें। अब ये देखिए इसका जो रंग है अब कितना बदल गया है। इसके साथ इसमें डालें खटाई। खटाई किस चीज़ की है, विनेगर, सिरका लास्ट में डालें, नहीं तो इसका जो खट्टापन है वो चला जाएगा। आपने देखा ये मैंने नमक थोड़ा सा डाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके अंदर नमक हल्का सा कम है, इसलिए नमक डाला है। और अब ये रेडी, 100% रेडी स्प्रिंग अनियन इसके अंदर। और उसके बाद थोड़ी और काली मिर्च कुटी हुई, टॉस करें इसे। और अब इसी तरह से इसको बड़ी सी प्लेट के अंदर ट्रांसफर करें और इसी तरह से इमीडिएटली सर्व करें, क्योंकि अगर इसको आपने कुछ देर रख दिया तो मज़ा नहीं आएगा। काफ़ी ड्राई है, आप चाहें तो इसकी जो सॉस है बढ़ा सकते हैं, उसके इसमें स्टॉक थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है इसी तरह से सर्व करें। दिखने में अच्छी है, खाने में अच्छा है, और उसके साथ साथ सेहत का ख्याल ज़रूर रखते हैं हम। ऐसी चीज़ें बनाकर स्वाद का तो ख्याल रखते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी, अपने परिवार वालों की और अपने गेस्ट की सेहत का भी ख्याल रखेंगे। बढ़िया है ना। डालने के बाद ऊपर से काली मिर्च कुटी हुई डालना ना भूलें, ये काली मिर्च। लेकिन इतनी भी काली मिर्च ना डालें कि एक पीस खाएं और उसके बाद खाने वाले कहें भाई वाह, और उसके बाद बोलने लायक ही ना रहे। पेपर टोफू बनाने के लिए हमें चाहिए टोफू 400 ग्राम, प्याज 1, शिमला मिर्च 2, लाल शिमला मिर्च 1, पीली शिमला मिर्च 1, कॉर्न स्टार्च 1 छोटा चम्मच, तलने के लिए तेल। अन्य सामग्री, कॉर्न स्टार्च 2 बड़े चम्मच, बारीक कटा हुआ प्याज 1, कटा हुआ लहसुन 1 बड़ा चम्मच, सोया सॉस 1 बड़ा चम्मच, ब्राउन शुगर 1 बड़ा चम्मच,
वेजिटेबल स्टॉक आधा कप, कुटी हुई काली मिर्च एक बड़ा चम्मच, विनेगर दो बड़े चम्मच, कटा हुआ हरा प्याज दो, तेल दो बड़े चम्मच, नमक स्वाद अनुसार।